इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। महाराष्ट्र में एक और प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ है। इस वक्त हमें नवी मुंबई के पनवेल स्थित धामनी गांव में 14 दिसंबर को नवी मुंबई पुलिस को एक फोन आया कि इस धामनी गांव के जिस पुल पर हम इस वक्त खड़े हैं, इसी पुल के ठीक नीचे पानी में एक महिला का शव तैर रहा है। पुलिस पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंची, तब उन्हें एक 28 साल की महिला का शव, ये जो सामने आप पानी देख रहे हैं, इसी पानी में तैरता हुआ मिला। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई कि गला दबाकर इस महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने जब जांच की तब पता चला कि 13 दिसंबर को नवी मुंबई के ही नेरुल इलाके से एक महिला लापता हुई थी, जिसका नाम था उर्वी वैष्णव। ये शव उसी का है। पुलिस ने इसके बाद अतिरिक्त टीमों का गठन किया। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में संदेह के आधार पर उर्वी के दोस्त रियाज और उसके एक साथी इमरान को हिरासत में लिया। रियाज खान करके आरोपी एक नंबर है, जो लड़की है उसका नाम उर्वी है, उनके आपस में प्रेम संबंध थे और लड़की उसके पीछे प्राथमिक जांच पर वो उनके पीछे शादी के कारण लगी हुई थी और उस कारण से उसने उसका खून किया है। पूछताछ में रियाज और इमरान ने इस बात को कबूल किया कि उन दोनों ने ही उर्वी की हत्या की है। पुलिस ने जब इस हत्या की वजह जानने की कोशिश की तब कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक उर्वी जो है वो कुछ साल पहले ही महाराष्ट्र में काम के लिए आई थी। इसी दौरान वो एक होटल में काम करने लगी। इसी होटल में उसकी पहचान रियाज से हुई। पहले इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। रियाज ने वादा किया था कि वो उर्वी से शादी करेगा। दोनों साथ भी रहने लग गए, लेकिन धीरे धीरे रियाज उर्वी को जो वादा किया था रियाज ने, उससे वो मुकरने लग गया। जब उर्वी ने लगातार उस पर शादी का दबाव डाला, तब रियाज ने अपने दोस्त इमरान के साथ मिलकर उर्वी की बेरहमी से हत्या कर दी। हमें काफी तहकीकात के बाद ये पता चला कि वो किसी जिम में ट्रेनर का काम करता है। जितने नवी मुंबई में जिम है, इसमें जब हमने तहकीकात की तब घनसोली में एक जिम में एज अ पर्सनल ट्रेनर करके काम करता है, ऐसी मालूमात मिली। इसके वेयर अबाउट्स निकाले गए। उसके बाद उसका जो साथीदार था इसमें, जो को एक्यूज्ड था, उसे सबसे पहले हमने यूनिट 2 की टीम ने कस्टडी में लिया। उसके इंटरोगेशन से मेन एक्यूज्ड का हमें पता मिला। ट्रैप लगा के और इन्वेस्टिगेशन के बाद मेन एक्यूज्ड को भी पकड़ा गया और इसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी हमें पता चली है। जो एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड जो है उसका, और जो डिसीज लेडी है उसका, दोनों का अफेयर था। डिसीज लेडी ने, जो एक्यूज्ड है वो मैरिड है और डिसीज लेडी ने उसके पीछे शादी करने के लिए हमेशा वो पीछे लगती थी। इसकी वजह से गुस्से में आके उसने उसको स्ट्रैंगुलेट किया। वारदात वाली रात यानी 13 दिसंबर को एक गाड़ी में पहले इन दोनों ने मिलकर उर्वी की हत्या की और उसके बाद उस उर्वी के शव को लेकर वो इस जगह पहुंची। ये जो पनवेल का धामनी गांव है, ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों तरफ इसके आपको यहाँ पर हरे भरे पेड़ दिखाई दे सकते हैं। रात के वक्त यहाँ पर ये पूरा परिसर सुनसान होता है। खासतौर पर ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इस ब्रिज पर कोई भी गुजरता नहीं और इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर रात के वक्त हत्या करने के बाद दोनों आरोपी यहाँ पर आए और उन्होंने उर्वी के शव को यहाँ नीचे इस ब्रिज से नीचे इस नहर में फेंक दिया। इस हत्या के पीछे की असली वजह क्या है? क्या रियाज का उर्वी से प्रेम करना, शादी के लिए वादा करना और जब शादी के लिए दबाव डालना, उसके इस दबाव की वजह से उसने उर्वी की हत्या कर दी, ये जो दावा रियाज कर रहा है ये सही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जिसकी तलाश अब मुंबई पुलिस करेगी? कैमरामैन संतोष पालनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, नवी मुंबई। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।